दरभंगा जिले में एक मछली लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। दरअसल दरभंगा के राज परिसर के ऐतिहासिक रामबाग परिसर में तालाब से अजीबो गरीब रंग रूप और संरचना वाली ये मछली मछुआरे गणपत सहनी के जाल में फंसी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस मछली का रंग काला है और शरीर पर भूरे रंग के खूबसूरत डिजाइन बने हुए हैं। पंख जैसी संरचना भी इसके शरीर में बनी हुई है, जबकि इसका मुंह भी सामान्य मछली की तरह नहीं है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह मछली दरभंगा महाराज के राज चिन्ह पंख वाली मछली से काफी हद तक मिलती है। मछुआरे गणपत सहनी ने बताया कि यह रामबाग के गेट पर मेरा मछली का दुकान है। यह मछली उसके जाल में उस वक्त फंसी जब रामबाग परिसर स्थित तालाब में मछली मारने गया था, वहां से यह मछली मिली है। रामबाग के अंदर से निकला है, जंगली मछली है, गाड़ी में आ गया था, उसको निकाल कर बाहर हम निकालेंगे। क्या मछली को बेचिए आगे रखिएगा? नहीं बेचेंगे कहाँ, शोकेस में है, शोकेस में रखेंगे उसको। शोकेस में रखे। क्या नाम है मछली का, कोई नाम मालूम है? जंगली मछली। जंगली मछली है। कब निकाले हैं तालाब से? कल ही आया है। कितने पीस लाए थे? एक पीस वन्नी फोर। इसका नाम कुछ मालूम नहीं है? ये नहीं बता सकते हैं, बाहर में आया हुआ मछली है, तालाब से निकला है, वो उपजा हुआ है। ओंकार आवामी के लिए दरभंगा से सुजीत कुमार।